अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद राफ़े रहमानी और मैं आपको वेलकम करता हूँ कम क्यू कोड के चैनल पे। तो गाइज़, आज हम लोग एच टी एम एल के कुछ और कैक देखने वाले हैं, जिसको हम लोग फॉर्मेटिंग कैक वगैरह भी कहते हैं। तो उस जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मेटिंग कैक के अंदर हमारा बी इम्फेसाइज कैलिक आई सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट और गैलियन इंसर्ट और इस तरह से हमारे पास ये जो कैक होता है हमारे पास, ये हमारे फॉर्मेटिंग कैक के अंदर आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्ट क्या होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं ड्रॉपडाउन वगैरह बनाते हैं, प्रोग्रेस मतलब हमारे पास प्रोग्रेस बार कैसे आ सकती है हमारी वेबसाइट में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट क्या काम करता है हमारे पास, सेलेक्ट ये करता है कि आपके एच टी एम एल की वेबसाइट के अंदर क्या करता है, आपका एक ड्रॉपडाउन बना देता है जिसके अंदर आपको सेलेक्ट का टैग ओपन करना पड़ता है और उसके अंदर एक और टैग ओपन करना पड़ता है जिसका नाम है ऑप्शन, जिसको आपको ऑप्शन के अंदर वो वैल्यू आती है जो आपको ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करवानी होती है। मिसाल के तौर पर कोई आपने कंट्री का ड्रॉप डाउन दिया है या फिर आपने कोई जेंडर का ड्रॉप डाउन दिया जिसके अंदर मेल फीमेल और अदर इस तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो वो ऑप्शन आपके क्या होते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन वाले कैक के अंदर, वो आपकी इसके अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो। तो आइए इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं साथ साथ। तो मैं यहाँ पर वी एस कोड ओपन करता हूँ और इसको आपको मैं क्या करता हूँ लाइव इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि हमारे पास किस तरह से शो होता है और किस तरह से इसको आप लगा सकते हैं। तो हमारे पास देखते हैं यहाँ पे न्यू एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे पी सी डॉट एच के एम एल के नाम से और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से काम करता है। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट का कैग ओपन करना है हमने। और देखें इसके अंदर आपने क्या करना है, सेलेक्ट का कैग के अंदर ये तो आएगी, मैंने आपको सी एस सी क्लास में बताई आएगी वगैरह का क्या होती है और नेम वगैरह एक ग्रुप वगैरह बना देता है। अगर आप नेम दो चीज़ों का अगर सेम रख दें यहाँ पे, अगर मिसाल के तौर पे एक और सेलेक्ट लगा हुआ है नीचे उसका भी नाम और इसका भी नाम सेम है तो आपस में ग्रुप बन जाते हैं। इसको फिलहाल आप रिलीव करें फिलहाल इसको और आप यहाँ पर इसको अंदर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप क्या करते हैं यहाँ पर इसको ऑप्शन देते हैं वैल्यू। फिलहाल आप यहाँ से इसको रिमूव करें और इसको मैं क्या करता हूँ इसको क्लोन कर लेता हूँ। और मैंने मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास तीन ऑप्शन आए और यहाँ पे मैं दूंगा मेल, यहाँ पे दूंगा फीमेल और यहाँ पे अदर। और इससे पहले हम लोग क्या कर देंगे एक लेबल भी दे देंगे यहाँ पे, लेबल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जेंडर। अब मैं इसको अगर ओपन में लाइव सर्वर करता हूँ तो आप देख सकेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बना हुआ आएगा जिसके अंदर हमारे पास ये तीन ऑप्शन हमारे आ रहे होंगे, उसमें से कोई ना कोई यूज़र को एक सिलेक्ट करना होगा। देखिए हमारे पास जेंगल लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए उसके अंदर तीन ऑप्शन आ रहे हैं मेल फीमेल अदर। इस तरह से आप ड्रॉप डाउन इसको बना सकते हैं और मज़ीद इसको आप सी एस एस की मदद से आप इसको खूबसूरत भी बना सकते हैं। तो सेलेक्ट और ऑप्शन का काम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ टैग आते हैं यहाँ पर बी ई एम आई एस यू पी एस यू बी, अब इनको बता दूंगा ये क्या काम करते हैं। बी क्या काम करता है आपके पास, ये क्या किस लिए यूज़ होता है हमारे पास, ये कैक्स को बोल्ड करने के यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर कोई आपका टैक्स लगा हुआ है तो आप उसके अंदर अगर बी कैक के अंदर उस टैक्स को लिखेंगे तो क्या होगा, वो टैक्स आपका क्या हो जाएगा थोड़ा सा नॉर्मल कैक से थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा ज़्यादा। अब मैं आपको उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पैराग्राफ लिखता हूँ और पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ मैं दिस इज़, ये हमारा नॉर्मल है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा यहाँ पे बी का कैग ओपन करूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा यहाँ पे दिस इज़ इंग्लिश। अब क्या होगा हमारे पास दिस इज़ नॉर्मल आएगा लेकिन इंग्लिश हमारा बी के अंदर है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा हमारा बोल्ड थोड़ा सा नज़र आएगा। मैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें इंग्लिश थोड़ा सा बोल्ड क्योंकि आ रहा है और बाकी हमारे पास ये नॉर्मल कैग्स आ रहा है। तो बी कुछ इस तरह से काम करता है हमारे पास। उसके बाद है ई एम, ई एम क्या होता है इम्फेसाइज होता है हमारे पास। ई एम कैग इज़ यूज टू इम्फेसाइज सम कैग्स इन योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अब इम्फेसाइज क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसकी जगह पे क्या कर दूँ इसको ई एम कर दूँ और इसको मैं क्या करूँगा एन टैग को भी ई एम कर दूँगा तो आप चेक करिएगा क्या डिफरेंस है इसमें। ये देखें ई एम क्या हुआ हमारे पास, कुछ कैलिक और ई एम मतलब सेम ही होते हैं काफ़ी हद तक। आप देखें ये थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा कर्व हो गया, नॉर्मल कैक्स ये आ रहा है और हमारा इम्फेसाइज कैक्स कुछ इस तरह से आ रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर एक कैलिक भी लगा के दिखाता हूँ, कैलिक के लिए क्या था हमारे पास आई, तो आई वाला आप देखिएगा क्या डिफरेंस है इसमें। ये देखें बिल्कुल सेम है इम्फेसाइज और आई, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। दोनों क्या करते हैं फॉन्ट को कुछ इस तरह से कर्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो इन दोनों का आपके पास क्या है बिल्कुल सेम है लेकिन इनके नाम अलग है, इसका नाम है इम्फेसाइज और इसका नाम है इटैलिक। अच्छा यहाँ पे एस यू पी मतलब सुपर स्क्रिप्ट, एस यू बी मतलब सब स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है,
सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उससे थोड़ा सा ऊपर स्मॉल हो गया आता है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे www, और उसके ऊपर क्या हो रहा है देखें, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल आ रहा है ब्रैकेट के अंदर वन और ब्रैकेट क्लोज, या आपका क्या है फुट नोट वगैरह के अंदर भी यूज़ होता है। और ये देखें आप हाफ अबव द नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन से क्या होता है थोड़ा सा ऊपर होता है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको अगर इसमें लिख दूँ यहाँ पे SUP, अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया SUP तो ये क्या होगा, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल टेक्स्ट हमारा ये होगा और ये इंग्लिश क्या होगा थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा हमें यहाँ पे। ये देखें जैसे कि आपने देखा होगा मैथ के अंदर पावर होती है KNX की पावर Q, इस तरह से ऊपर पावर आ रही होती है वो इस तरह से आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ये देखें इंग्लिश क्या हुआ नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है हमें। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सब स्क्रिप्ट भी लगाता हूँ, यहाँ मैं बी कर दूंगा और इसको भी बी कर देता हूँ, ये हमारा सब स्क्रिप्ट भी जाएगा। तो ये क्या होगा नॉर्मल टेक्स्ट से क्या होगा थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा क्या होगा ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे केमिकल फॉर्मूला, अगर कोई आपने लगाना है अपनी वेबसाइट पे तो आप सब स्क्रिप्ट के जरिए उसकी पावर दे सकते हैं। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं SPO लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से आप वो लिख सकते हैं। तो मैं आके दिखाता हूँ किस तरह शो हो रहा है हमें। ये देखें सुपर स्क्रिप्ट क्या था वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा था, और सब स्क्रिप्ट क्या है हमारे पास ये नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा है। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग के हमारे पास टेक्स्ट थे। उसके बाद हमारे पास आता है स्पैन। अब स्पैन क्या करता है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डिव होता है वो हमारा क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेकिन स्पैन हमारे पास क्या है ये एक इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन कंटेनर है। मतलब आपने दो चीज़ों को मिसाल के तौर पर टेक्स्ट लिखा हुआ है एक पूरा, आपने अगर इस टेक्स्ट को अलग फॉर्मेटिंग देनी है और इसको अलग देनी है, तो मैंने क्या कर दिया स्पैन के जरिए उन दोनों को अलग कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल करके, मिसाल के तौर पर यहाँ पी लिखता हूँ मैं माई नेम इज मोहम्मद राफे रहमानी, बल्कि मैं माय नेम इज नहीं सकता यहाँ पे मोहम्मद राफे रहमानी लिख देता हूँ खाली। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अलग फॉर्मेटिंग दूँ और इसको मैं अलग दूँ। अब इन दोनों को हम लोग ऐसे अलग नहीं कर सकते, आप लोग इसको अलग स्केलिंग नहीं दे सकते, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्पैन का हेल्प लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्पैन, और स्पैन के अंदर क्या करते हैं हम लोग ये अलग लिख देंगे। अब हमारे पास ये अलग हो गया और हमारे पास ये स्पैन वाला अलग हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो इसको भी अलग स्केलिंग दे सकते हो और इस वाले को अलग स्केलिंग दे सकते हो। तो स्पैन हमारे पास कुछ इस तरह से ही काम कर रहा होता है। अगर मैं आपको गूगल पे दिखाऊं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऊपर नाम देखेंगे जो यहाँ पे तो इमेज आ रही है, लेकिन हमारे पास ये देखें ये मार्कर क्या लगा रहा है, इसको अलग स्केलिंग दी हुई है, इसको अलग दी हुई है। आप क्या कर सकते हैं इसको स्पैन की मदद से ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमारे पास तीन टैग आ रहे हैं हमारा वीडियो इंसर्ट और डिलीट। अब इन तीनों का क्या काम है, वीडियोस क्या होता है आपके पास, आपने सिंपल अगर कोई देखा होगा वेबसाइट पे कि यूट्यूब वगैरह की क्या होती है वीडियो वगैरह लगी हुई होती है, तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं, आप वो आई फ्रेम की मदद से लगा सकते हैं, आपको आई फ्रेम की मदद से लगा सकते हैं। आपको आई फ्रेम लेना पड़ेगा, सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पर आएँ यूट्यूब पर जाएँ, और यहाँ पर जाने के बाद जो भी आपको वीडियो यहाँ सेलेक्ट करनी है, मिसाल के तौर पर मैं देख लेती हूँ यहाँ पर ये लोड हो जाए, हम लोग देख लेते हैं इसमें से कोई सी, तो न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास नीचे एक शेयर का ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे हमने गूगल मैप लगाया था तो इस तरह से ही हमारे पास ये हमारा यूट्यूब क्या करता है हमें कोड बना के दे देता है। आप यहाँ पर एम्बेड पर क्लिक करें, और आपके पास ये देखें हमारे पास ये पूरा आई फ्रेम बना हुआ आ गया, आप इसको कॉपी करें, और आप कॉपी करें क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो आपकी क्या होगी जो वीडियो होगी वो वाली वो आपकी वेबसाइट पे शो हो जाएगी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो हमारे पास हमारी वीडियो जो है यहाँ पे आ जानी चाहिए, ये देखें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इसकी हाइट विड्थ वगैरह भी बड़ी कर सकते हो, आप लोग इसको फुल करना है फुल स्क्रीन पर शो कराना है, तो हमारे पास ये पूरी यूट्यूब आपके पास हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो YouTube वगैरह की वीडियो अपने पास लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है INS और GEL। अब इन दोनों क्या काम है, इसका मतलब है इंसर्ट और इसका मतलब है डिलीट। आपने देखा होगा अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कि हमारे पास कुछ सेल वगैरह लगी होती है, जैसे लिखा होता है कि 2000 और उस पर क्रॉस लगा हुआ होता है और उसके आगे नई प्राइस लिखी होती है जैसे 1500, जैसे डिस्काउंट वगैरह देते हैं, तो इस तरह से इसका काम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे H1, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक प्राइस लिखता हूँ 2000
और एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1500, मतलब ये 2000 हमारे पुराने प्राइस थे, ये नॉर्मल प्राइस है, हम लोग क्या करते हैं डिस्काउंट दे रहे हैं 1500 का। अब अगर इसको मैं शो करूँ तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, ये ऐसे शो होगा हमारे पास। लेकिन अगर हम लोग क्या करें इसके अंदर मैं क्या चेंजिंग करूँ, इसको मैं INS कैग ओपन करता हूँ, मतलब इंसर्ट कैग, और यहाँ पे बल्कि मैं इस वाले को जो न्यू प्राइस है उसको मैं क्या करूँगा इंसर्ट, और क्या होगा हमारे पास जो पुरानी प्राइस है उसको क्या कर दूंगा डिलीट। तो अब किस तरह से होगा हमारे पास, डिलीट पे कुछ स्ट्राइक आउट आ जाएगा, मतलब बीच में इसके लाइन आ जाएगी और इंसर्ट के हमारे पास नए प्राइस हो जाएंगे। अब ये देखें हमारे पास नीचे लाइन आ गई, कुछ इस तरह की सेल वगैरह आपके पास लगी होती है कि अब ये प्राइस नहीं, अब ये वाले प्राइस हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर मैं इसको RS कर दूँ तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग ई कॉमर्स वगैरह की वेबसाइट पर होता है कुछ इस तरह का कि हमारे पास ये प्राइस नहीं, ये वाले प्राइस हैं, तो उस INS और KE अलग काम हमारे पास यहाँ पे आता है। तो उसके बाद हम क्या आता है हमारे पास प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस क्या करता है हमारे पास, प्रोग्रेस सिंपल क्या करता है, हमारे पास एक प्रोग्रेस बार बनाया जाता है। प्रोग्रेस बार क्या होती है, जो देखा होगा आपने कि हम लोग कोई चीज़ ओपन करते हैं तो वो आ जाता है प्रोग्रेस बार, मतलब वो चल रहा होता है, वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा होता है, वो जब तक आपका काम मुकम्मल नहीं होता। आप इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं किसी चीज़ की तो उसके अंदर ये प्रोग्रेस बार, जब इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्रेस बार चलने पड़ जाती है, तो वो प्रोग्रेस बार आप लगा सकते हैं। चलने वाले तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप सिंपल शो करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे शो करते हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मैं, इसके ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे प्रोग्रेस। अब देखिए प्रोग्रेस हमारे पास आ गई यहाँ पे। अब इसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास, एक है हमारे पास वैल्यू और कहाँ तक जाएगा, मैक्स कितना है इसका, मैक्स मैक्स तो हमारे पास 100 ही होता है, और हम लोग इसको वैल्यू कितना देना चाहते हैं, मतलब कितना परसेंट इसको फिल कराना चाहते हैं आप, तो वो वैल्यू आप क्या करेंगे यहाँ पे देंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा मिसाल के तौर पे 50% हो, मतलब हाफ फिल हो मेरा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 50% दे दूँगा, 50 दे दूँगा यहाँ पे। तब मैं चेक करता हूँ हमारे पास, ये देखें ये प्रोग्रेस बार आ रही है हमारे पास, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, ये हाफ फेल है। देखें 50 मैंने 100 मैक्स दिया था और ये क्या हुआ 50 पे आ गया। अब आप इसको कम करके चेक करें, मैं करता हूँ इसको 50, तो क्या होगा ये देखें यहाँ पे कम हो जाएगा ये। इसको मैं क्या करता हूँ 50 मैंने कोई तो नहीं लगाया दोबारा। अब आगे चेक करते हैं इसको, अब देखें बिल्कुल ही कम ही हो गया, नज़र ही नहीं आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ इसको मिसाल के तौर पे इसको मैं 60 करके देखता हूँ, तो देखिए कुछ हमारे पास इस तरह का फील हो रहा है हमारे पास ये। तो हमारे पास प्रोग्रेस बार कुछ इस तरह से हमारे पास काम कर रही होती है। तो उम्मीद है आप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगले लेक्चर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।